एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेएस टिप्स यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में पांच फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख पा रहे होंगे, प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट, राउंड, पावर और काउंट। दोस्तों आज की वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना, क्योंकि आज मैं पूरी क्लास में यहाँ पर बताने वाला हूँ इन पांचों फॉर्मूलाज का क्या काम होता है और कैसे इनका यूज किया जाता है। शायद ये फॉर्मूला सीखने के बाद आप एक एक्सपर्ट एक्सेल यूजर बन सकते हैं। तो करते हैं आप आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मैं जयपाल सिंह, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट का। तो चलते हैं यहाँ पर शीट टू में। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो डेटा मेरे पास है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। अब डेटा को समझिए, यहाँ पर है माउस। माउस कितने रुपए का है? एक 6394 रुपए का। और हमने कितने क्वांटिटी लिए? 14। हमने 14 क्वांटिटी लिए, तो यहाँ पर टोटल प्राइस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे? प्रोडक्ट के फॉर्मूला से। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करना आपको, इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप किया, देन क्या करना आपको, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद नंबर वन में क्या करेंगे आप, प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप सेल सिलेक्ट करना आपको, कोमा, देन नंबर टू। नंबर टू में क्या करेंगे आप, क्वांटिटी वाले टॉप सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और सिंपली इंटर प्रेस करना, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना आप, इसको ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर सभी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हमने ये आंसर निकाला था किससे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के। अब हम विदाउट प्रोडक्ट का भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो कैसे, इनटू करके, है ना। यहाँ पर क्या करना है, इक्वल प्रेस करना। इक्वल प्रेस करने के बाद जो आपका प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना आपको, इनटू का साइन देना और सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करके और इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेम प्राइस आएगा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पर इनटू करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला के बारे में, स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। आते हैं यहाँ पर सीट टू में। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा 9, 16 और 25। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना आपको तो क्या करना, सिंपल है, इक्वल एस क्यू आर टी एंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर क्या करना, डेटा का टॉप सेल यानी कि 9 को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर। तो यहाँ पर आप देखिए इसका स्क्वायर निकल चुका है, यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो सभी का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला, राउंड। अब राउंड क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर डेटा मेरे पास आप देख रहे हो, कुछ रुपए मैंने लिखे हैं, 10.5, 10.2, 9.6 और 9.2। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए 50 पैसा, 10 रुपए 20 पैसा, 9 रुपए 60 पैसा और 9 रुपए 20 पैसा। तो यहाँ पर राउंड का काम क्या होता है, दशमलव रिमूव कर देता है। अगर कोई रुपए 0.5 से ऊपर है तो क्या कर देगा, उसको उसमें 1 रुपए ऐड कर देगा। अगर 0.5 से नीचे है तो उसमें तो जो पैसे उसको माइनस कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10.5 अगर मैं यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 10.2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 ही हो जाएगा, जो 20 पैसा उसको रिमूव कर देगा राउंड से। तो कैसे अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं। इक्वल राउंड, तो मैंने यहाँ पर राउंड लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब नंबर में क्या करना आपको, नंबर में सिंपली आप क्या करेंगे, 10.5 को सिलेक्ट करना है, कोमा, नंबर डिजिट में क्या करना दोस्तों, यहाँ पर 0 प्रेस करना है और इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 10 रुपए 50 पैसा था वो कितना होगा, 11। इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 10 रुपए 20 पैसा था वो 10 ही हो गया, 9.6 था वो क्या हो गया, 10 रुपए हो गया, और जो 50 पैसे से कम था 9.2 वो कितना हो गया, 9 ही हो गया, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर राउंड का काम क्या होता है, दशमलव को रिमूव कर देता है, पैसे को रुपए में चेंज कर देता है। इसके बाद बात करते हैं अगले फॉर्मूला के बारे में। तो अब क्या हमारे पास, पावर। अब पावर का काम क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर निकालना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डेटा छोटा सा मैं लिख लेता हूँ, अब 5, 3, 6 एंड 4। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और संख्या है, जैसे मुझे 5 का पावर 3 बार निकालना है, 3 का पावर 2 बार निकालना है, 6 का पावर 4 बार निकालना है। तो मैं इधर भी संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मुझे 5 का पावर 3 बार निकालना है, 3 का पावर 2 बार निकालना है, 6 का पावर 4 बार निकालना है और 4 का पावर 2 बार निकालना है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, मैं रिजल्ट निकालना है यहाँ पे। तो
तो रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का इक्वल POWER, पावर लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब नंबर में क्या करेंगे आप, 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, पावर में 3, यानी कि 5 का पावर हमें 3 बार निकालना इनटू। तो यहां पर इसने क्या किया, 5 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे कि 5 × 5 × 5 और इंटर। तो आप समझ चुके होंगे 5×5 = 25 और 25×5 = 125। तो इस तरह पावर का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है एक्सेल शीट में। समझ में आ गया होगा आपको पावर का काम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लास्ट वन इज काउंट। काउंट का काम क्या होता है, काउंट करता है एक्सेल में नंबर काउंट। अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें कुछ अल्फाबेट भी लिखे हैं, कुछ नंबर भी लिखा है, और आपको पता करना है कि इस डेटा में नंबर कितनी बार है, तो क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया जाता है। जैसे कि इसके बीच में कहीं भी नंबर लिख लेता हूँ डेटा के बीच में, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर टाइप कर लिए 4-5 बार। अब मुझे काउंट करना है जो डेटा है मेरा, इस डेटा के बीच में नंबर कितने सेल में, क्या पता करना है इस डेटा के बीच में नंबर कितने सेल में है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, काउंट का फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, काउंट का फॉर्मूला। उसके बाद सिंपली डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इंटर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो हमारा डेटा है इसके बीच में नंबर कितनी बार है, 5 बार है। तो दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे पांचों फॉर्मूलाज का क्या काम होता है, कैसे इनका यूज किया जाता है एक्सेल में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों।